Hey guys, क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में बात करते वक्त शुड का या फिर मस्ट का इस्तेमाल कब किया जाता है? तो चलिए देखते हैं। शुड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें किसी को एडवाइस देनी होती है, किसी की ड्यूटी या फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के रिलेटेड हमें किसी को अगर एडवाइस देनी हो कि तुम्हें ये करना चाहिए, तब हम शुड का इस्तेमाल करते हैं, ओके? और मस्ट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब वो चीज़ कंपलसरी होती है। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं। तो पहले शुड का एग्जांपल देखते हैं। यू शुड स्टडी इफ़ यू वांट टू पास विथ फ्लाइंग कलर्स। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए अगर तुम अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हो, ओके? यह एडवाइस है। और मस्ट का एग्जांपल देखते हैं। इफ यू वांट टू स्पीक फ्लुएंटली इन इंग्लिश लैंग्वेज देन यू मस्ट स्टार्ट टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप इंग्लिश में फ्लुएंटली बात करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश में बात करना स्टार्ट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, मस्ट है, ओके? क्योंकि इसके बिना आप नहीं बात कर सकते। तो इस तरीके से ये शुड और मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। मस्ट कंपल्शन दर्शाता है और शुड एडवाइस करने का काम करता है। सो आई होप दैट यू अंडरस्टूड। सो सब्सक्राइब फॉर मोर। बाय बाय।